नमस्कार, स्वागत है आप सभी को जय भारत टीवी मां मिछो योगेश थसमाना। तो हाजिर छो हम एक बार फिर अपना खास बुलेटिन उत्तराखंड रहबार मां जय मां होंदे उत्तराखंड की छोटी बड़ी सभी खबर। आज बात कर ला मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की, साथ ही बात कर ला हम उत्तराखंड मां आने वाली सरकारी नौकरियों की, साथ ही बात कर ला रुद्रप्रयाग की एक ऐसी बेटी की जैसे आपकी मदद की जरूरत है। तो शुरू कर दा अपने खास बुलेटिन उत्तराखंड रहबार। 14 साल बाद सच होलू डोबरा चाटी पुल को सपना। 14 साल का लंबा इंतजार का बाद अब यू इंतजार खत्म हो जा। डोबरा चाटी पुल थे की राज्य स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जनता थे की समर्पित कर ला। पुल का खुल जाने से की बांध प्रभावित प्रताप नगर, थौलधार ब्लॉक और उत्तरकाशी जिला की गाजड़ा पट्टी को लोगों थे की आन जान की आसानी हो जाली। 2006 बटी गाँव थे की ये पुलों को निर्माण शुरू हो गए छाई। 300 करोड़ की लागत से की डोबरा चाटी को यह पुल देश को सबसे लंबू सस्पेंशन पुल च। ये वहाँ 6 करोड़ की आधुनिक लाइटिंग भी कहीं चा। ये खुल जाने से की घंटों को सफर कुछ मिनटों में हवा लो। और ये पुल का खुल जाने से की जनता को 14 साल पुरानो सपनो सच हो जालो। चंपावत मां लोहाघाट ग्रोथ सेंटर को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने काया उद्घाटन। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ला आज चंपावत मां लोहाघाट ग्रोथ सेंटर को उद्घाटन काया। ये दौरान लौह उत्पादों पर आधारित ग्रोथ सेंटर को सीएम ला बारीकी से की निरीक्षण भी काया। ये कदगड़ी सीएम ला कई करोड़ों की योजनाओं को शिलान्यास और लोकार्पण भी काया। उन बोला कि सरकार आत्मनिर्भर उत्तराखंड का संकल्प कदगड़ी कई योजना चलानी छो। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री स्वर स्वरोजगार योजना को भी जिक्र उल काया। उन बोला कि ये सभी योजना पहाड़ का युवा थे की आत्मनिर्भर बना ली। उत्तराखंड में समूह गामा 854 पदों पर भर्ती। जी हाँ, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग UKSSC ला समूह गामा 854 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली छन। ये खुण ऑनलाइन आवेदन 10 नवंबर बटी शुरू हुआलू जो कि 24 दिसंबर तक चलू। आयोग बटी समूह गामा समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत कई पदों पर भर्ती होनी, जैमा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ला सहायक समाज कल्याण अधिकारी को 35 पद, छात्रावास अधीक्षक को 3 पद, उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग का अंतर्गत सहायक समीक्षा अधिकारी को 1 पद, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मा सहायक समीक्षा अधिकारी को 2 पद, उत्तराखंड राजस्व परिषद देहरादून का अंतर्गत सहायक चकबंदी अधिकारी का 4 पद, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग का अंतर्गत संवीक्षक का 1 पद, पंचायती राज विभाग का अंतर्गत ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को 292 पद, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग का अंतर्गत सुपरवाइजर को 34 पद, जनजाति कल्याण विभाग का अंतर्गत मैटर्न केयर सेस हॉस्टल इंचार्ज का 16 पद, उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद का सहायक स्वागती का 6 पद, उद्योग विभाग में अंतर्गत सहायक प्रबंधक उद्योग का 70 पद और ग्राम विकास विभाग उत्तराखंड का अंतर्गत ग्राम विकास अधिकारी का 381 पदों पर भर्ती होनी। ये का मतलब 854 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया छिन। अनलॉक का बाद सरकारी नौकरियों की बहार। अनलॉक का बाद सरकारी नौकरियां खुलना बेरोजगारों खुण खुशखबरी छा। हर विभाग में बंपर भर्ती निकलनी छिन। UG VNL में बंपर भर्ती खुलना छिन। अगर आप भी ये खुण सोचना छिन तो तैयारी शुरू कर देवा। UG VNL में ये साल बंपर भर्ती होना की खबर छा। निगम बटे की सहायक अभियंता और जियोलॉजिस्ट पदों पर नई भर्ती होनी ना। ये का खातिर UG VNL ना पंतनगर विश्वविद्यालय खुण सिफारिश भी भेजी छा। पिछले 3 साल बटी यक भर्ती खाली छिन। यू पदों खुण पंतनगर विश्वविद्यालय बटी की ऑल इंडिया लेवल की भर्ती परीक्षा को आयोजन होलू। जय कु नोटिफिकेशन नवंबर का आखिरी दिसंबर का पहला हफ्ता में आ सकत। पौड़ी के बाद चमोली में भी शिक्षक कोरोना पॉजिटिव, स्कूल बंद। स्कूल खुलने के बाद जय बात को डर छायु हुई हूँ। पौड़ी में शिक्षकों में कोरोना का मामला सामने आने के बाद चमोली में भी 2 शिक्षक कोरोना पॉजिटिव निकली ने। जय के बाद स्कूल 3 दिन खुण बंद कर दी गई। थराली में राजकीय इंटर कॉलेज कुनी परथा में 1 शिक्षक कोरोना पॉजिटिव निकली। जय के बाद राजकीय इंटर कॉलेज नारायण बगड़ में भी 1 शिक्षक कोरोना पॉजिटिव निकली। जय के बाद स्कूल थे की बंद करियो चा। स्कूल थे की सैनिटाइज का बाद ही खुले जालो। उत्तराखंड की ई बेटी थे की चैनी च आपकी मदद। रुद्रप्रयाग की त्रियोगी नारायण की अमिता को ब्यो 30 नवंबर को होना चा। लेकिन ई बेटी के समणा ई समस्या चा इकन के की ये ब्यो हुआलू। जी हाँ, माँ बाप के निधन का चलता अमिता की जिम्मेदारी वे का बड़ा भाई पर छाई। लेकिन भाई की तबीयत खराब होने का चलता वे को भी देहांत हो गए। जय के बाद अमिता की जिम्मेदारी वी की भाभी पर चा। 2 छोटी बेटियों दगड़ी अब जिम्मेदारी अमिता की भी छाई।
जैका चलदा अमिता की भाभी बेहद मजबूर छाई। जैका बाद अमिता की मदद खुणो एक स्थानीय समिति उपहार समिति अग्नियाई चा, जो कि अमिता का ब्योमा वी की मदद करनी चा। अगर आप भी वी की मदद करना चाहना छन तो रुद्रप्रयाग की त्रियुगी नारायण की अमिता यानी कि हम सभी की दिशा ध्यान अमिता की मदद जरूर करें। तो आपकी बोली भाषा में आज का अपना रैबार मा इदगा ही। उत्तराखंड रैबार मा फिर हाजिर होला नई खबरों का साथ। फिलहाल मीठे दीजिए इजाजत। नमस्कार।